ये शीट बोलते हैं इसको। ये मतलब जो पैनल रहता है, मतलब आप इधर देखिए, ये 32 इंच का सैमसंग का पैनल है, ठीक है। ये और भी ब्रांड में लगा हुआ रहता है, तो ये जो पैनल है, यही पैनल का नीचे ये शीट रहता है, ये व्हाइट शीट जो है। अभी मैं फिलहाल पैनल को सावधानी से रख लूंगा। जब भी आप पैनल उठाए, थोड़ा मतलब केयरफुली उठाए कि ना टूटे, ये टूट सकता है अगर आप अच्छे प्रोफेशनल आपका प्रैक्टिस या हाथ ना हो तो, ठीक है। तो ये शीट को ऐसे निकाले, निकाल कर आप साइड में रखिए। और ये मैंने पहले ही बैकलाइट निकाल के रखा था, तो ये बैकलाइट प्रॉब्लम में ये सैमसंग का 32 इंच हमारे पास आया था। ये दो टू स्ट्रिप है, ये मैंने शीट का ये पेपर उठा दिया। ये देखिए, बैकलाइट जलने का कारण पूरा पेपर में कैसे ब्लैक हो गया, आप देख सकते हैं। ये नया बैकलाइट हमने लाया, ये स्ट्रिप, ठीक है। ये स्ट्रिप हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। मैंने इंस्टॉल कर दिया, आप ये बैकलाइट मैंने इंस्टॉल कर दिया इधर। अब नीचे जरा दिखाइए, ये देख सकते हैं आप, बैकलाइट मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद ये जो पेपर है, ये पेपर इसमें लगाना पड़ेगा। तो पेपर लगाने के आगे आप ध्यान रखिए कि पेपर जो है आपका मतलब सही से लगे, कि जैसे ही आप ये देख सकते हैं पूरा एकदम एक्यूरेटली लगा है। जैक यहाँ पर खाली छोड़ा है मैंने जगह, ठीक है। ये पूरा एक्यूरेटली लगना चाहिए, नहीं तो आपका बैकलाइट जो है सही से लाइट नहीं देगा। फिर ये क्लिप जो है, क्लिप को आपको इसमें लगाना है, ऐसा प्रेस कर देना ये क्लिप। ये क्लिप आपने जब क्लियरली लगा दिया हो, तो फिर ये क्लिप लगाने के बाद, ये क्लिप लगा, ये शीट फिर इनको इंस्टॉल करना है। मतलब ये बराबर आपका जैसा था पहले, आपको सेम उसी तरह इसको इंस्टॉल करना है, तब जाके आप ये प्रॉपर लाइट मिलेगा आपको, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, इंस्टॉल करने के बाद ऊपर में कोई डस्ट ना रहे, कि पैनल में आपका कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये मैंने पैनल ला लिए। पैनल इंस्टॉल करने का सबसे सही तरीका है, पैनल का दोनों कोना मेजर करके आप ऐसे डालोगे। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, पैनल आगे